ओम नमस्ते, मैं राहुल आर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल MD एजुहट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उनमें से एक विषय का परीक्षा परिणाम आज 26 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है, उसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली क्वालिफाई किया है और इसके लिए आप अपना जो आवेदन पत्र है वो कब तक लगा सकते हैं और कट ऑफ क्या रही है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से 26 अप्रैल 2022 को ये नोटिस आज जारी किया गया है, जिसमें सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए ये रिजल्ट जारी किया गया है, जिसकी परीक्षाओं का आयोजन हुआ था 22 और 29 सितंबर को। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रोविजनली इंटरव्यू के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया है उनके रोल नंबर यहाँ पर मैंशन कर रखे हैं। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली क्वालिफाई किया है। सभी के रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। कुल 571 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पर आपके सामने दर्ज किए हुए हैं, जारी किए हुए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए 571 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली क्वालिफाई किया है। अब जिन कैंडिडेट्स ने ये क्वालिफाई कर लिया है टेस्ट को, अब उनको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है और उसके साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लगानी है और 9 मई 2022 सायं 6 बजे तक कार्यालय में जमा करवाना है और वहां पर फिर आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि जो फॉर्म भरने के लिए योग्यताएं थी उनको आप पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाएं किस तरह से बुलाएंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से वो जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी और जो ही कोई जानकारी इस विषय में आती है हम तुरंत वीडियो बना करके आपको उसके विषय में जानकारी दे देते हैं। तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कट ऑफ की अगर यहाँ पर बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 76.12 कट ऑफ रही है और WD जनरल के अंतर्गत 37.28 है, EWS के अंतर्गत भी 76.12 और SC के अंतर्गत भी यही है और कट ऑफ 76.12 ही रही है लगभग कैटेगरीज में। हॉरिजॉन्टल में अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन की ऑलरेडी अवेलेबल इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, तो उन्हीं कैटेगरीज में उनको वहाँ पर डाल दिया गया है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 6.62 27.82 ये वैकेंसी ये कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने रही है और यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 कैंडिडेट्स हैं जिनके कोई का अभी जो कोर्ट में कोई विचाराधीन मामले हैं उनको देखते हुए इन 3 कैंडिडेट्स का जिनके रोल नंबर यहाँ पर जारी किए हैं रोल नंबर रिजल्ट अभी सील्ड कवर में रखा हुआ है अभी वो जारी नहीं किया गया है। तो ये अपडेट थी आज आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहें यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।